हॅलो फ्रेंड्स, आय एम जयश्री झवर अँड यू आर वॉचिंग झवर्स क्लासरूम. क्लास फिफ्थ के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है. मेरे प्रीवियस वीडियो में हमने हमारा सिक्स लेसन एंगल्स शुरू कर दिया है और प्रैक्टिस सेट 25 तक हमने सॉल्व कर लिए हैं. आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 26, जिसमें हम प्रोटेक्टर की हेल्प से एंगल कैसे ड्रॉ करना है ये सीखेंगे. आइए शुरू करते हैं. आज हम सीखेंगे किसी स्पेसिफिक मेजर का एंगल कैसे ड्रॉ करना है. एंगल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कीजिए. हमको ये 70 डिग्री का एंगल बनाना है, तो इसके लिए हम प्रोटेक्टर लेंगे और प्रोटेक्टर का जो मिड पॉइंट है, प्रोटेक्टर का ये देखिए, ये प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट है. ये जो पॉइंट है ये इस पॉइंट पर रखेंगे, तो प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट यहाँ पर रख देते हैं. अब पेंसिल से 70 डिग्री पर मार्क करेंगे. देखिए, ये जो यहाँ मिड पॉइंट हमने रखा है प्रोटेक्टर का, तो इस वर्टेक्स से राइट साइड में ये सेगमेंट बना हुआ है. ओके, तो ये राइट साइड का जीरो हम देखेंगे. राइट साइड का ये जो जीरो है, यहाँ से हम काउंट करना शुरू करेंगे. तो ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70. तो हमको 70 डिग्री का एंगल बनाना है, तो यहाँ हम मार्क कर देंगे 70 पर. ये 70 पर हमने मार्क कर दिया. ओके, अब ये प्रोटेक्टर हटा लेंगे और ये जो पॉइंट हमने मार्क किया है, इसको ये लाइन के इस पॉइंट के साथ जॉइन कर देंगे. अब ये एक लाइन और ये एक लाइन मिलकर ये एंगल बना है और दो लाइंस यहां पर जॉइन हुई हैं, तो इस पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं. ओके, अब इस एंगल को हम नाम देंगे एंगल ए बी सी. ओके, तो यहां ए बी सी लिख देंगे. तो इस एंगल को हमने एंगल ए बी सी नाम दे दिया है और ये जो एंगल है ये 70 डिग्री का है, तो यहाँ पर हम 70 लिख देंगे. एंगल ए बी सी 70 डिग्रीज का है, ये हमने लिख दिया है. अब यही एंगल हम दूसरे इस वर्टेक्स पर ड्रॉ करेंगे. ये हमने सेगमेंट ड्रॉ कर लिया. अब प्रोटेक्टर का जो मिड पॉइंट है ये इस वर्टेक्स पर रखेंगे, इस पॉइंट पर रखेंगे. ओके, पहले हमने इस साइड के पॉइंट पर प्रोटेक्टर रखा था, प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट रखा था. अब इस पॉइंट पर हम प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट रखेंगे. देखिए, अब क्या है, ये जो मिड पॉइंट है इसके लेफ्ट साइड में हमारा सेगमेंट है, तो लेफ्ट साइड के जीरो से हम काउंट करेंगे. देखिए, यहाँ जीरो है, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70. तो यहाँ पर आता है 70, तो ये यहाँ हम मार्क कर देंगे. यहाँ पर ये हमने मार्क कर दिया. अब इसको इस पॉइंट के साथ जॉइन कर देंगे, तो ये जो एंगल बना है ये भी एंगल ए सी बी 70 डिग्रीज का बना है. तो फर्क क्या है, ये एंगल इस वर्टेक्स पर बना है और ये जो एंगल है ये यहाँ सी पर बना है. दोनों ही एंगल एग्जैक्ट सेम है, दोनों के मेजर्स 70 डिग्री ही है. ओके, तो इस तरह से आपको एंगल्स बनाने हैं. एंगल कैसे ड्रॉ करना है ये अभी हमने सीखा है. अब हम प्रॉब्लम सेट 26 सॉल्व करेंगे. प्रॉब्लम सेट 26 में हमारा क्वेश्चन है, ड्रॉ एंड नेम द फॉलोइंग एंगल्स विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर. प्रोटेक्टर की हेल्प से ये सारे एंगल्स हमको ड्रॉ करने हैं और उनको नाम भी देने हैं. आइए शुरू करते हैं. फर्स्ट एंगल है 60 डिग्री का. सबसे पहले ये सेगमेंट ड्रॉ करेंगे. ये है एंगल का एक आर्म जिसको हम पी क्यू नाम देंगे. अब प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट पी पर रखेंगे. पी के लेफ्ट साइड में हमारी लाइन बनी है, तो लेफ्ट साइड का जीरो देखेंगे, 0, 10,
20, 30, 40, यहाँ 60, देखिए इस 60 पर मार्क कर देंगे। ये हमने 60 पर मार्क कर दिया, अब प्रोटेक्टर को हटा लेंगे। अब ये जो पॉइंट हमने मार्क किया है उसको P के साथ जॉइन कर देंगे, यहाँ R नाम देंगे। ये एंगल 60 डिग्री का बना है इसलिए एंगल के अंदर हम 60 डिग्री लिख देंगे। ये एंगल RPQ 60 डिग्री का बन चुका है। हमारा नेक्स्ट एंगल है 120 डिग्री का। ये सेगमेंट हमने ड्रॉ कर लिया है, इस सेगमेंट को हमने सेगमेंट BC नाम दे दिया है। अब प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट B पर रखेंगे और राइट साइड का जो जीरो है वहाँ से काउंटिंग शुरू कर 120 को मार्क कर देंगे। यहाँ ये 120, ये 120 को हम मार्क कर देंगे। अब प्रोटेक्टर को हटा लेंगे, ये जो पॉइंट हमने मार्क किया है इसको B के साथ जॉइन कर देंगे। इस पॉइंट को A नाम दे देंगे और इस एंगल का मेजर 120 डिग्री हम लिख देंगे। तो ये है एंगल ABC जिसका मेजर है 120 डिग्रीज। नाउ नेक्स्ट, अब हमारा नेक्स्ट एंगल है 90 डिग्रीज का। एक सेगमेंट हमने ड्रॉ कर लिया है, इसको हम YX नाम देंगे। प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट Y पर रखेंगे और X की साइड में जो जीरो है उस जीरो से काउंटिंग शुरू करेंगे और 90 डिग्री पर मार्क कर देंगे। ये यहाँ 90 डिग्रीज, इसको मार्क कर देंगे। ये हमने मार्क कर दिया, अब प्रोटेक्टर को हटा देंगे। अब ये जो मार्क किया हुआ पॉइंट है इसको Y के साथ जॉइन कर देंगे और इस पॉइंट को Z नाम दे देंगे और एंगल का मेजर एंगल के अंदर लिख देंगे 90 डिग्रीज। तो ये हमारा एंगल XYZ 90 डिग्रीज का बन चुका है। नाउ नेक्स्ट, अब हमको जो एंगल बनाना है वो 150 डिग्री का रहेगा। सबसे पहले ये एंगल का एक आर्म हम ड्रॉ कर लेंगे, इसको नाम दे देंगे PQ। अब किसी भी वर्टेक्स पर आप प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट रख सकते हो, P पर भी रख सकते हो या Q पर भी रख सकते हो। इस बार हम Q पर रखेंगे, ये Q पर हमने प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट रखा है। तो अब इस वर्टेक्स के लेफ्ट साइड में ये आर्म बना हुआ है तो हम लेफ्ट का जीरो देखेंगे, ये यहाँ का ये जीरो देखेंगे। यहाँ से हम 150 तक काउंट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ जीरो है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये 90, 100, 110, 120, 130, 140 एंड 150, ये यहाँ पर है 150। तो इसको यहाँ से यहाँ पर हमको मार्क करना है, तो इसको यहाँ पर हमने मार्क कर दिया। ओके, अब प्रोटेक्टर को हटा देंगे और ये जो पॉइंट क्यू है इसको इस मार्क किए हुए पॉइंट के साथ जॉइन कर देंगे। ये जो पॉइंट है इसको हमने आर नाम दे दिया। ये एंगल बना है एंगल PQR और ये 150 डिग्रीज का है। एंगल PQR इज इक्वल टू 150 डिग्रीज। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब हमको 30 डिग्रीज का एंगल बनाना है। जो सेगमेंट हमने ड्रॉ किया था उसको AB नाम दे दिया है। अब प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट A पर रखेंगे और ये जो लेफ्ट साइड का जीरो है यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे 10, 20 एंड 30। तो यहाँ पर मार्क कर देंगे यहाँ पर। अब ये जो पॉइंट है इसको A के साथ जॉइन कर देंगे। ये जो एंगल BAC है ये 30 डिग्रीज का एंगल है। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब हमको 165 डिग्रीज का एंगल बनाना है। उसके लिए सबसे पहले एक आर्म ड्रॉ करेंगे, इसको नाम दे देंगे, आप आपके हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हो। एंगल का नाम कैपिटल लेटर में दिया जाता है। अब प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट क्यू पर रखेंगे,
ये जो आर्म है ये क्यू के राइट साइड में बना है, तो राइट साइड के ज़ीरो से काउंट शुरू करेंगे और 165 तक काउंट करेंगे। ये देखिए 160 यहाँ आता है और यहाँ आता है 165। ये देखिए यहाँ पर है 160 और यहाँ पर है 165। ओके, तो इसको मार्क कर देंगे 165, इसको हमने मार्क कर दिया। अब इस प्रोटेक्टर को हटा देंगे और क्यू के साथ इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, इस पॉइंट को आर नाम दे देंगे। तो ये जो एंगल पी क्यू आर बना है ये 165 डिग्री का बना है, यहाँ पर इसका मेजर लिख देंगे। ये एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 165 डिग्रीज। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब हमको 45 डिग्रीज का एंगल बनाना है। ये एक सेगमेंट हमने ड्रॉ कर लिया, इसको हमने क्यू आर नाम दे दिया है। अब प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट क्यू पर रखेंगे। ये राइट साइड में आर्म बना हुआ है इसलिए राइट साइड के ज़ीरो से 45 डिग्री तक काउंट करेंगे। ये 10, 20, 30, 40 एंड दिस इज 45। ओके, तो यहाँ पर हम पेंसिल से मार्क कर देंगे 45 डिग्रीज पर, ये हमने मार्क कर दिया है। अब प्रोटेक्टर को हटा देंगे और ये जो मार्क किया है इसको क्यू के साथ ज्वाइन कर देंगे, इसको पी नाम दे देंगे। तो ये एंगल पी क्यू आर बन चुका है, यहाँ पर हम 45 डिग्रीज लिख देंगे। तो ये एंगल पी क्यू आर ये 45 डिग्री का बन चुका है। इसी के साथ हमारा ये प्रॉब्लम सेट यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप ये प्रॉब्लम सेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।